दोस्तों, जब भी हमारी इस दुनिया को हम देखते हैं तो हमें चारों तरफ खूबसूरती ही दिखाई देती है। हमें हमारे चारों तरफ कई तरह तरह के पेड़ पौधे, पहाड़, झीलें, नदियाँ, समुद्र सभी कुछ दिखाई देता है। ये सभी चीज़ें देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन इन खूबसूरत चीज़ों में मौजूद हमारा समुद्र जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा खौफनाक भी है। समुद्र अपनी ऊपरी सतह से तो हमारा मन मोह लेता है, लेकिन अगर हम समुद्र की गहराइयों में जाएंगे तो हमें समुद्र का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा। समुद्र के इन गहराइयों में हमें कई अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिल जाएंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको समुद्र की गहराइयों में ले जाने वाले हैं, जहाँ आपको कई अलग अलग तरह के जीव देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं समुद्र के इस दूसरे रूप को। हमारी पृथ्वी का 75% हिस्सा समुद्र ने घेर रखा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र कितना विशाल है। इसके अलावा समुद्र के अंदर भी हमें कई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। क्या आपको पता है कि हमारे समुद्र के अंदर भी नदियाँ बहती है? हमारे समुद्र के अंदर हमारे वैज्ञानिकों को कई सारी नदियाँ देखने को मिली है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हमारे समुद्र के अंदर भी बारिश होती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम समुद्र के ऊपर की नहीं बल्कि समुद्र के अंदर होने वाली बारिश की बात कर रहे हैं। समुद्र के अंदर होने वाली बारिश को मरीन स्नो कहा जाता है, लेकिन ये बारिश आम बारिश की तरह नहीं होती है। असल में ये बारिश पेड़ पौधों के टुकड़ों की होती है, जो कि समुद्र की गहराइयों में रहने वाले क्रिएचर्स के लिए एनर्जी सोर्स का काम करती है। इसके अलावा समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले ये जीव, जिनके बारे में हम आपको आगे हमारी वीडियो में बताने वाले हैं, ये समुद्र की इतनी गहराई में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह किसी भी इंसान की हड्डियों को चकनाचूर कर सकता है। समुद्र की गहराई में कई हिस्से ऐसे हैं जहां रोशनी का नामो निशान तक नहीं होता। इसके अलावा इस जगह का टेम्परेचर माइनस में होता है। समुद्र अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए हैं। समुद्र के अंदर जाने पर हमें हर 100 मीटर की गहराई के बाद समुद्र का एक नया रूप देखने को मिलता है। समुद्र को अच्छी तरीके से जानने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने समुद्र को 5 जोन में विभाजित कर रखा है। सबसे पहले हम जानते हैं समुद्र के पहले जोन एपिपेलेजिक जोन के बारे में। ये जोन समुद्र के 200 मीटर की गहराई में मौजूद होता है। इस जगह तक सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच जाती है। इस जगह हमें कई सारे पौधे देखने को मिल जाते हैं। इन पौधों में प्रोक्लोरोकोकस जैसे पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर रहने वाले 90% क्रिएचर्स ऐसे हैं जो इन्हीं पौधों के ऊपर निर्भर हैं। इस जोन में हमें ज्यादातर समुद्री पौधे आर्चिन फिश और स्टारफिश जैसे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। इस जगह जो पौधे मौजूद होते हैं वो हमारी पृथ्वी पर 50% ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। अब हम समुद्र की इस गहराई में और अंदर जाते हैं तब हम पहुँच जाते हैं ट्यूबलाइट जोन में। इस जगह पानी का प्रेशर 1400 PSI होता है। वहीं इस जगह का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा इस जोन को मेसोपेलेजिक जोन के नाम से भी जानते हैं। इस जोन की शुरुआत 200 मीटर की गहराई से होती है और इस जोन का अंत 1000 मीटर की गहराई पर जाकर खत्म होता है। इस जगह सूरज की किरणें आ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस जोन में हमें कोई भी पौधा देखने को नहीं मिलता और यहाँ पाए जाने वाले क्रिएचर्स एक दूसरे पर ही डिपेंड रहते हैं, जो कि एक दूसरे को ही खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस जगह पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जहाँ बिना किसी सबमरीन के इंसानों का जा पाना नामुमकिन है। इस जगह पर जायंट स्क्विड जैसे क्रिएचर्स पाए जाते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे जोन की तरफ, जिसे बैथेपेलेजिक जोन कहा जाता है। ये जोन 1000 मीटर की गहराई से शुरू होकर 4000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इस जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर 5000 PSI होता है। समुद्र का ये जोन
पूरी तरीके से अंधेरे से भरा होता है। इस जगह पर ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनकी अपनी ही लाइट होती है। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने चौथे जोन की तरफ, जिसे एबिसोफेलेजिक जोन कहते हैं। ये जोन 4000 मीटर की गहराई से शुरू होकर 6000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। बात की जाए इस जगह पर पानी के प्रेशर की, तो इस जगह पर पानी का प्रेशर 10000 PSI होता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने पांचवे और आखिरी जोन की तरफ, जिसे हेडल जोन भी कहा जाता है। ये समुद्र की इंसानों द्वारा नापी गई सबसे गहरी जगह है, और इसी जगह समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मेरियाना ट्रेंच भी स्थित है। इस जगह पर पानी का प्रेशर 16000 PSI होता है, लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद भी यहाँ कई सारे जीव देखने को मिलते हैं। यहाँ रहने वाले जीवों का मेन एनर्जी सोर्स मरीन स्नो है। समुद्र की 200 मीटर की गहराई पर जो पौधे पाए जाते हैं, ये वर्षा उन पौधों के डिग्रेड होने पर होती है, और इन्हीं पौधों को खाकर समुद्र की गहराई के जीवों को एनर्जी मिलती है। जब यह पौधों के टुकड़े समुद्र के अंदर गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र के अंदर बारिश हो रही हो। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।